इवन मेरे को कल से आप लोग के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैक्स भाई इंटर बैकग्राउंड थ्री का न्यू अपडेट आ चुका है, उस पे वीडियो बनाओ। तो पहले तो मेरे को लगा कि आप लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन जब जाके मैंने प्ले स्टोर पे इसको चेक किया तो सच में इंटर बैकग्राउंड थ्री का न्यू अपडेट आ चुका था। तो फिर चलो इसको फटाक से अपडेट कर लेते हैं एंड देखते हैं गेम में क्या कहना है। ओके, सबसे पहले जो हम लोग को सूत्रों से खबर मिली है कि गेम में एयरपोर्ट को चेंज कर दिया गया है, उसकी जगह न्यू बिल्डिंग लाई गई है। तो चलो देखते भाई एयरपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ से तो मेरे को सब कुछ सेम टू सेम ही लग रहा था, लेकिन हाँ भाई पीछे वाली बिल्डिंग को मेरे ख्याल से चेंज कर दिया गया है, काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। एंड ये रही अपनी न्यू एयरपोर्ट की बिल्डिंग जो कि देखने में ठीक ठाक लग रही है। चलो इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे, क्या पता ऊपर कोई रहस्यमय तहखाना हो। तो यार यहाँ से हम लोग को ना उछल उछल के चढ़ना पड़ेगा। चल भाई जल्दी से चढ़ जा ये। अरे भाई एक और बार ऐसा ही करना पड़ेगा। चल चल भाई चढ़ जा भाई चल चल, जस्ट हो ही गया है हो ही गया है। चलो पहुंच गए और यहाँ से आप लोग देख सकते हो नजारा कुछ ऐसा लग रहा है। और इतना ही है यार, यहाँ से तो अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। और नीचे जाने से पहले हम लोग यहाँ से थोड़ा व्यू देखेंगे। अरे नहीं भाई, व्यू देखने के चक्कर में अपना व्यू बिगड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। चलो यार अभी चलते सीधा कार शोरूम में, क्योंकि गेम में नया कार शोरूम भी ऐड हुआ था भाई। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी बताया था। तो चलो चलते अभी कार शोरूम के पास एंड देखते हैं भाई क्या चीज है वो। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कार शोरूम पे एंड आप लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड हाँ, इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंस्ट्रक्शन एरिया के बिल्कुल सामने आप लोगों को ये न्यू कार शोरूम देखने को मिलेगा। एंड अभी बारी इसके अंदर जाके देखने की भाई क्या मसाला लगाया है इसके अंदर। लेकिन उससे पहले इसकी बाहर की लुक आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है ये। और यहाँ से चलते अभी इसके अंदर, ये रहा अभी इसकी एंट्रेंस ये रही। एंड फिलहाल के लिए तो ये अंदर से बिल्कुल खाली है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई चीट कोड ऐसा होगा जिससे हम लोग यहाँ पे गाड़ियां वगैरह स्पॉन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को फिलहाल के लिए वो पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को पता है कि कोई ऐसा चीट कोड यहाँ पे जो वर्क करता हो जिससे यहाँ पे गाड़ियां वगैरह स्पॉन हो सके तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। एंड फिलहाल के लिए तो बात करें शोरूम की, तो काम तो काफी अच्छा किया है एंड यहाँ पे गाड़ियां वगैरह ऐड होने के बाद ये और भी ज्यादा बढ़िया दिखेगा। ये तो हो गए कुछ अपडेट, अभी बात करते हैं न्यू चीट कोड्स के बारे में। तो सबसे पहले रिक्शा का चीट कोड गेम में ऐड हो चुका है, जिससे आप लोग रिक्शा स्पॉन कर सकते हो। तो उसका चीट कोड है 8370। इसको डायल करते हैं, आप लोग देख सकते हो हमारे सामने आ चुका है ऑटो रिक्शा, जिसके अंदर बैठ के हम लोग कहीं पे जा सकते हैं। चलो भाई चला के देखते हैं इसको। लेकिन उससे पहले हमारे मन में एक शंका है, हम लोग इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। और अभी हमारी शंका दूर हो गई कि सच में हम लोग इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी हुई है आगे की तरफ। एंड भाई ये तो सुप्रा से भी तेज दौड़ रहा है भाई साहब, बोले तो बिल्कुल गजब मजा आएगा इसको चलाने में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हॉर्न वगैरह तो लगा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग बजा नहीं सकते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इस पे लड़की भी चढ़ा के देखते हैं ऑटो को। और लड़की भाई 5 फुट दूर जाके गिरी है, लेकिन फिर भी हमारे ऑटो को आज तक नहीं आई। और ये तो बन चुका अपना लेजेंडरी ऑटो भाई, फेवरेट व्हीकल बन गया मेरा ये तो। और ज्यादा लहराने पे ये पलट भी जाएगा भाई। ओके, तो अभी ऑटो को मारो गोली, में आप लोग को एक नई बला से मिलाता हूँ जिसका चीट कोड मेरे ख्याल से 5599। एंड इसको डायल करते आप लोग के सामने आ जाएगी ये स्पाइडर, जो कि आप लोग को बहुत ही गंदा डैमेज देगी यार। यार आप लोग इससे जितना भी बचने की कोशिश कर लो, ये आप लोग का पीछा छोड़ती नहीं है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, इसका पीछा हम लोग छुड़वाएंगे, लेकिन गन निकालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से तो। एंड सबसे पहले करते हैं इसका काम खत्म। अबे मर जा यार इसका भाई, ये ले ये गई है। तो ये स्पाइडर लेकिन अजीब ही तरीके का वल्चर दिख रहा है कुछ तो, एंड काफी डरावना भाई, हॉरर सा लग रहा है मेरे ख्याल से। बाकी देखने में इसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा गंदी, आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो में इतने ही अपडेट थे, क्योंकि यार मेरे को वीडियो एडिट करनी है और अपलोड करनी है तो उसमें टाइम जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन कॉल पर सेट करना है। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।